आईसीआईसीआई बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट आप बहुत ही आसानी के साथ ओपन कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आईसीआईसीआई बैंक का आप जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर पाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको दो रास्ते हैं। सबसे पहला है सैलरी अकाउंट। अगर आप कोई भी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते हैं तब तो आपको सैलरी अकाउंट मिल जाता है, जब आप जीरो अकाउंट से ओपन कर सकते हो। वहाँ पर आपको कोई भी बैलेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है रखने का। वहाँ पर आपको हर महीने आपका जो अकाउंट है वहाँ पर पैसे आता है तो ही आप सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें आपका हर महीने सैलरी आना कंपलसरी ही है। लग बाई चांस अगर आप जॉब छोड़ देते हैं या फिर आपके अकाउंट में 3 महीने तक पैसे आना बंद हो जाते हैं तब आपका जो है सैलरी अकाउंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल सेविंग अकाउंट में, जो कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपको ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन बता दें कि जो कंपनी में आप काम करते हो वो कंपनी भी आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप होना चाहिए, तब जाके ही वो सैलरी अकाउंट में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट रखने का मौका दे सकता है। लेकिन आप जॉब होल्डर नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है या फिर आपके जो अकाउंट में हर महीने सैलरी नहीं आता है तब आप कैसे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो? यहाँ पर एक ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक में, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBD अकाउंट। ये दरअसल 2014 में इसका शुरुआत हो चुका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, बट यहाँ पर सभी बैंक को इंस्ट्रक्शन यही था कि आपको हर एक कस्टमर को आपको एक बैंक ऐसा रखना चाहिए, एक अकाउंट जो कि कस्टमर को दे सकते हो जीरो बैलेंस अकाउंट के नाम पर। वो कस्टमर चाहे तो उसे फ्री में यूज़ कर सकता है या फिर मेंटेनेंस वहाँ पर करने की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो ICICI बैंक ने भी ये बीड़ा उठाया था और ये भी सभी को ये फैसिलिटी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा अकाउंट ओपन करने से पहले। तो सबसे पहले ICICI बैंक का अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन का कोई भी प्रोसेस नहीं है, आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच में ही जाके विजिट करना है, वहाँ पर आपको फॉर्म फिल करके वहाँ पर डॉक्यूमेंट देना होगा, तब जाके आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो सकता है। तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट पूरा फ्री है, 100% फ्री है, आपको इसके लिए कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना है या फिर आपको यहाँ पर मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है या फिर एवरेज बैलेंस को भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक पासबुक मिल जाएगा जो कि आपका नाम प्रिंट तो होगा ही, साथ में आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपको वहाँ पर शो करेगा और आपका फोटो भी आपके साथ दिखाई देगा। बट यहाँ पर आप चेकबुक इशू नहीं कर सकते, चेकबुक के लिए आपको जो है इसका अकाउंट को अपग्रेड करना चाहिए, मतलब कि ये जनधन अकाउंट से आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, तब जाके ही आपको चेकबुक मिलेगा। लेकिन इस अकाउंट में आपको चेकबुक नहीं मिलेगा और ये खास बात यह है कि ये जनधन अकाउंट है, आप कोई भी बैंक में अगर आप जाओगे SBI में जाओगे या फिर कोई अदर बैंक में जाओगे वहाँ पर आपको जनधन अकाउंट तो मिलेगा। अगर आप उस बैंक में ऑलरेडी जनधन अकाउंट खोले हुए हैं तो आप कोई और बैंक में जनधन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्सन का एक ही जनधन अकाउंट होता है। यहाँ पर एक खास बात यह है कि आप डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड यहाँ पर एक्टिव करवा सकते हो जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड यूज़ करते हो या फिर एक्टिव करवाते हो तो आपको चार्ज तो नहीं लगेगा, साथ में यहाँ पर अच्छे से यूज भी कर सकते हो। बट यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है, आप यहाँ पर भले ही आप UPI में फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से यूज़ करोगे लेकिन पर डे यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, या फिर अगर आपको ATM से निकालना है तब भी आप वहाँ पर डे 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो ये सारे पॉइंट में अगर आप जाओगे तो जीरो बैलेंस अकाउंट आप आसानी के साथ ओपन कर सकते हो। इस बीच अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम में हमको DM भी कर सकते हो।